विकासनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित नव मतदाता सम्मेलन में उन नव युवकों को सम्मानित किया गया जिन्हें 18 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं और अब देश के लोकतंत्र के भाग लेने के लिए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि नव मतदाता सम्मेलन के इस कार्यक्रम में टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने युवकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी सुना। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश में पार्टी का लक्ष्य 1 लाख नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना है। विकासनगर से संवाददाता इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। ये नव मतदाता सम्मेलन है और युवाओं के बीच में आप उत्साह देख रहे हैं और इस बार तो आप समझ रहे हैं एक नए लहर पर सवार होकर के युवा मतदान करने के लिए बेसब्र हैं। तो कोई युवा जिसने 18 साल की 1 जनवरी को आयु पूरी कर ली वो मतदान से वंचित न रह जाए, ये प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का आह्वान है। युवा का एक एक मत राष्ट्र निर्माण में पड़ना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे वाइब्रेंट और सबसे जिसे कहता पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है उसके लिए। और युवा आधुनिक सोच लेकर के, अपने अतीत की जानकारी लेकर के, अपने हेरिटेज का गर्व करके, जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी एक अद्भुत व्यक्तित्व तो हैं, वो पहले की पीढ़ी में, वर्तमान पीढ़ी में और भविष्य के बीच में एक सेतु का काम करते हैं।